हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो फिलहाल अभी कोहरा पड़ रहा है, ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है। और जब तक वीडियो जाएगी पता नहीं ठंड कैसी रही है कैसी नहीं रही है, ये तो नहीं बता पाएंगे। वीडियो शूट हो जाता है लेकिन जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में 2 दिन 3 दिन का वक्त लग जाता है। भाई तो है बस उसका कान दोनों एकदम कह रहा है मैं बदले की आ रही खाया हूँ। पिया दूध दूध पीता है कि नहीं? दूध रे कहाँ पी रहा है? ए दे दो, गिर जाए। ओ मार ए खरगोश कहाँ दूध पी रहा है? मन्नत गोलू दे दो, गोलू बहुत शौकीन है। रोना भाई, ये देखो देखो इससे बैठा, ए नहाया नहीं है, देखो इतनी ठंडी में, देखो कान इसके दो कान है लेकिन लगी एक ही कान रहा है। अरे बस कर रे, बैठा रह दे रे, तो ना घी जी डाल रहे थे लेकिन लड़कियां नियर खिलाए के, बस कर रहल जाएगी में। देखा आजकल बहुत ज़्यादा कोई काम तो रहता नहीं है वैसे, मतलब काम तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन वैसे कोई काम नहीं रहते। ठंड के मौसम में खाना पीना बनाया, किचन से फुर्सत मिली रजाई में आके लेट जाना है, बस यही दुनिया हो चुकी है। दोनों तरफ से दरवाजे बंद हैं, भीतर इंसान है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में ना तो कहीं किसी के आने जाने का मन हो रहा है, ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा बाहर बैठ के काम हो रहा है। ठंड का मौसम होता है, धूप निकलती है तो बाहर बैठ के काम भी हो रहे हैं, और घर के अंदर बस वही बथुआ, पालक, मेथी, सोया, यही सब तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है। और मैंने सोचा चलो भाई कुछ नहीं हो रहा है तो सुबह सुबह वॉक ही कर आते हैं। ठंड तो बहुत थी, जाने का मन नहीं होता है, लेकिन एक बार जब रजाई से निकल जाओ ना तो आलस दूर हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो वॉक करके आते हैं। वॉक करके ना गर्मी आ जाती है, जैसे हम तेज़ तेज़ वॉक करते हैं, कभी कभी जॉगिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं जॉगिंग नहीं कर पाती, क्योंकि देखिए उस टाइम पर फ़ोन होता है हाथ में और मुझे वीडियो बनानी होती है, तो अगर मैं वॉक करने लगूँ या फिर तो फिर बहुत ज़्यादा हिलने लग जाता है, तो इसलिए मैं जब भी वॉक करती हूँ तो बहुत मतलब धीरे धीरे वॉक करती हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में मतलब ठीक लगे। बहुत ज़्यादा इससे दौड़ते हैं ना तो या तो फिर कोई दूसरा वीडियो बना रहा हो, फिर मतलब हमारा हाथ खुद का हिले ना। और वॉक करने के अनगिनत फ़ायदे हैं, सबसे ज़्यादा पीसीओडी थायराइड में वॉक करते हैं ना तो हमें बहुत भूख नहीं लगती, जानते हो क्यों? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वॉक जो होती है वॉक से फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है, भूख भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती, भूख भी हमारे कंट्रोल में रहता है। तो इसकी वजह से आप सुबह के टाइम, शाम के टाइम 30 मिनट 40 मिनट या फिर 60 मिनट आप वॉक जरूर करें, अच्छा रहेगा, वज़न भी मेंटेन रहेगा। आज का वज़न हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या, वही जो मतलब 70 चल रहा है, 70 करना चाहते हैं, 70 से थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत घट जाता है, व्रत रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत घट जाता है, और मैं जब थोड़ा बहुत खा पी लेती हूँ तो 1 किलो बढ़ जाता है, तो बस इसी तरीके से वज़न चल रहा है फिलहाल। अब मुझे कम नहीं करना है, ना ही बढ़ने देना है, बस इतने पर रोक के रखना है। और मतलब टहल के आने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले अपना वज़न कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पानी वगैरह पी लेते हैं तो वज़न हमारा ज़्यादा बताता है, जब हम कुछ खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने साल उतारी, स्वेटर उतारा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना गर्मी गर्मी ऐसे लग रही थी जब हम टहल के आते हैं, और गुनगुना पानी आज मैंने पिया है सुबह सुबह, प्यास लगी नहीं थी तो मैंने सोचा कि पानी पीने का मन नहीं है लेकिन मुझे पानी पीना ज़रूर है, तो मैंने सोचा चलो पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं उसके बाद पी लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, ठंडी इस कदर पड़ रही है ना कि आरओ का जो पानी होता ना एकदम बहुत ज़्यादा बर्फ़ की तरह हो जाता, तो फिर पीने का सुबह सुबह इतना ज़्यादा मन नहीं होता है, तो थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लो ना तो पी लिया जाता है, और फ़ायदेमंद भी होता है गुनगुना पानी ठंड के मौसम में। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब दूध, चीनी, चाय पत्ती एक साथ ही सब कुछ डाल दिया है और रख दिया है इसको पकने के लिए। आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए, क्या कैसे किया जाए, मतलब जो भी कुछ होता है बन जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है, बच्चों की छुट्टी हो रखी है तो 2 बार 3 बार काम नहीं करना होता है, एक ही बार में जो कुछ बनाना होता बना दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सहना भवतु। और
अभी एक दिन पहले ही फरे बने थे, फरे बने थे तो बस ये सुबह के टाइम इसको फ्राई किया जाएंगे। और फरे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसको खा लो ना तो भूख बहुत देर तक नहीं लगती है, वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें चने की दाल होती है और चने की दाल में होता है प्रोटीन। चावल का आटा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, और ख़ास करके ये हेल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसको हम बॉयल करके बनाते हैं, भाप पे बनाते हैं, इसमें ऑयल की कोई मतलब ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा एक चम्मच देसी घी डाल देते हैं, राई के दाने, जीरा डाल देते हैं, करी पत्ता डाल देते हैं, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, इतना बढ़िया कुरकुरा हो जाता है ना, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। वैसे तो आप इसको गर्मा गर्म खाएँ तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे तुरंत बन रहा है फरा तो आप तुरंत गर्मा गर्म खाएँ तो अच्छा लगता है, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना तो इसको फ्राई करके खाएँ तो फिर दोगुना स्वादिष्ट लगता है। चाट मसाला ख़त्म हो चुका था, चाट मसाला हमारे घर में वैसे भी सब लोग चट कर जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो चाट मसाला इसमें डिब्बी में डाल देते हैं। ये मेरी थायराइड की डिब्बी आजकल मतलब ऐसी आ रही है ना, जिसमें ऐसे मतलब बना हुआ है छिड़कने के लिए, ऐसे गोली टैबलेट निकालने के लिए बना है ढक्कन में इसके ना, तो इससे क्या होता है नमक वगैरह इसमें भर दो, चाट मसाला भर दो ना, ऊपर से छिड़कने में बहुत अच्छा होता है, हर जगह मिल जाता है। बस चाट मसाला छिड़क दिया है, ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और पद्देव जी ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने कहा चाय बना दो, ठंड का मौसम है ही है तो फिर चाय दो बार तीन बार चार बार बन जा रही है, एक बार सुबह बन जाती है, फिर कभी कभार ऑफिस जाते समय बन जाती है, एक बार सर जी आते हैं तो बन जाती है, फिर पद्देव जी शाम को आते हैं तो फिर बन जाती है। चाय थोड़ी थोड़ी बनती है लेकिन कई बार बनती है, तो मैंने सोचा चाय बनी ही है तो चलिए हम भी थोड़ा सा ले लेते हैं आधी कप, और थोड़ी सी पद्देव जी को दे देते हैं, थोड़ी सी गौरी मांग रही थी तो उनको दे देते हैं। हमारे घर में बहुत ही अच्छे इंसान हैं गोलू, जो कि चाय नहीं पीते हैं ना सुबह के टाइम ना शाम के टाइम, कभी भी नहीं पीते हैं। आप लोग भी आ जाइए फरे खाने, और फ्राई किए हुए फरे ना बहुत पसंद है हमारे घर में, फरे जो होते हैं ना हम चारों लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टिटिम्मा लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसको बनाने में। सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है इसका दाल पीसना, जो सिलबट्टे पर पीसना होता है, दाल पीसो उसके बाद बनाने में भी टाइम लग जाता है। एक बार के फरे बनने के लिए रख दो तो आधे घंटे का टाइम लगता है, और इसकी जो टिकरियाँ बनानी होती है उसमें भी मेहनत लगता है। तो सारे मतलब ये होते हैं फरा गुजिया ये सारे जो ऐसी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, पद्देव जो ऑफिस चले गए, बच्चे अपना ट्यूशन क्लास चले गए, मतलब ट्यूशन पढ़ने लगे, और ट्यूशन घर में ही पढ़ते हैं। मैंने भी फरे खा लिए थे, अब फिर मतलब भूख तो लगी नहीं थी काफ़ी टाइम तक, मतलब भूख नहीं लगी थी किसी को, मैंने सोचा कुछ ना कुछ बना देती हूँ, पता नहीं किसको क्या भूख लगी किसी को क्या नहीं लगी, और मैं फरे के चक्कर में बैठी रहूँ, हो सकता है दोपहर तक सबको भूख लग जाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा चावल लिया, सोच रही थी दाल चावल बनाने की, फिर मैंने सोचा चलो भाई आज दाल मतलब दाल चावल नहीं बनाते हैं, आज पद्देव की तरीके से हम भी चावल फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़े वाले राइस ले लिए, इनको दो तीन पानी अच्छे से धुल लेना है, चावल को ना ज़्यादा मसलना नहीं होता है, बस इसको हल्के हल्के हाथ से इसका अच्छा से जो गंदगी है ऊपर से निकाल दो तीन पानी धुल के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दो, अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद हम सब्जियाँ कट कर लेते हैं, फिर बनाते हैं पुलाव। और ये चावल वाला पुलाव, मटर गोभी गाजर जो भी सब्जियां आप डालना चाहें डाल दो। तो आजकल सब्जियां भी ख़त्म हो रखी है, जो फ्रिज में सब्जियां थी मैंने उनको निकाला, सब छीला काटा धोया, और उसके बाद मैंने कुकर चढ़ाया, इसमें जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दी है, प्याज और हरी मिर्ची, करी पत्ता भी हमारे पास अवेलेबल था तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी डाल देते हैं। करी पत्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो खिचड़ी में हो चाहे वो मतलब किसी भी सब्जी में हो, दाल में भी हो, आजकल बच्चे नहीं खा रहे हैं, करी पत्ता थोड़ा सा टाइट हो चुका है, जब मुलायम मुलायम पत्ते आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आलू मटर गोभी मैंने तीन सब्जियाँ कट करी है, आलू मटर गोभी को ऐड कर देते हैं, भून लेते हैं थोड़ा सा, और बीन्स भी मैंने थोड़ा सा कट करी है, बीन्स भी अच्छा लगता है, और इन सब सब्जियों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है। वैसे आप लोगों को बनाना आता होगा, बहुत बार बनाए भी होंगे, लेकिन होता क्या है ना कुछ रेसिपी में अंतर जरूर हो रहा है। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा कुछ डाइट वाली चीज़ें नहीं शेयर कर रही हूँ, डाइट क्या ही शेयर करूँ, बस जो भी आप घर में बना रहे हैं इसकी क्वांटिटी आप कम करके खाएं घर में। तो मैं ये समझ लो कि आप ये डाइट वाला ही खाना है, एक चम्मच देसी घी या फिर दो तीन चम्मच में बना हुआ खाना है, इसमें क्या डाइट मतलब अलग से करूं, या फिर एकदम से मैं तेल खाना बंद कर दूंगी तो वो भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा। मतलब तेल खाना, देसी घी खाना, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना शरीर के लिए नुकसानदायक है। वैसे अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो नुकसान करता है, और एकदम खाना बंद कर देते हैं तो वो भी नुकसान करता है, तो हमें मीडियम में लेते रहना है। तो यहाँ पे मसाले, सब्जी मसाला किचन किंग, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, सब्जी चावल डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है, बहुत हल्के हल्के हाथ से आपको चलाना है। टमाटर मैंने दो कट करके डाल दिए हैं, धनिया घर में ख़त्म हो रखी है, अगर धनिया की पत्ती होती ना तो मैं चटनी बनाती, लेकिन जितनी सारी धनिया की पत्ती थी एक बार मैंने चटनी बनाई थी अपने लिए, जो पानी में डाल के पीती हूँ, फिर दो
बार तीन बार चटनी बनी, हर रोज़ सब्जी में यूज होती है तो ख़त्म हो रखी थी। पराठे भी कई बार बने थे तो उन सब में यूज हो जाता है। धनिया की पत्ती खूब यूज करते हैं हम अपने खाने में। और आज मैं पानी बिल्कुल कम डालूंगी ताकि ये खिले खिले चावल बने। बस देखना है सीटी खुलने के बाद ये खिले बनते हैं या फिर ये खिचड़ी बन जाते हैं। खिले बनते हैं फिर खिचड़ी बनते हैं, इनका कोई पता नहीं। और अभी दोपहर के 12 बज रहे होंगे और ये जीरा पानी मैंने रखा था, सुबह नहीं पिया था, सुबह गर्म पानी पी लिया था। तो फिर बार बार मतलब पेट में जगह भी तो होनी चाहिए सब कुछ खाने के लिए, तो दोपहर के टाइम मैंने सोचा चलो अपना जीरा पानी पी लेते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:10 हो रहे हैं। मैं अपना जीरा पानी ले रही हूँ दोपहर के टाइम, क्योंकि अभी लंच में काफ़ी सारा टाइम है, भूख भी नहीं लगी थी तो मैंने सोचा चलो अपना जीरा पानी दे देते हैं एक बार। और अभी सुबह मैंने फरे खाए थे, चटनी खाई थी, चाय पिया था, दो बार तो चाय हो चुकी थोड़ी थोड़ी। आज गोरखपुर में सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम है, गलन वाला दिन है। और यहाँ पे मैंने बनाई थी आलू वाले पुलाव, बनाए थे मटर डाल के, बिल्कुल पद्देव जी की नकल करके बनाते हैं लेकिन बनता नहीं है। इस बार देखना है ये बनता है कि नहीं बनता है। ठंड इतनी ज़्यादा है, काम कोई है नहीं, सिर्फ खाना बनाना खाना और रजाई में पड़े रहना। आज तो मैं बिल्कुल शाम के टाइम बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि सुबह गई थी ना, इतना ज़्यादा गलन कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड आज का दिन है। तो फरे खाए थे सबने, बिल्कुल भी ज़्यादा भूख नहीं थी किसी का, तो मैंने सोचा दाल चावल बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो गोभी मटर बीन्स वगैरह डाल के थोड़े से वही चावल बना देते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब पद्देव जी की तरीके से बने तब ना अच्छा लगे। और अभी यहाँ पे सीटी सू सू कर रही है, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ ठीक से जाएगी या नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपना जीरा पानी फिनिश कर लेती हूँ। और गर्मा गर्म ना बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम ग्रीन टी जैसे लगते हैं ये, और डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और आपकी डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करेगा, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। खाना खाने के बाद आप पिए, जैसे खाना खाने के एक घंटा बाद आप इसको लें तो और भी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसे सिप सिप करके पी लेती हूँ। और हमारे पुलाव में एक सीटी लग चुकी थी। सबसे पहले मैंने इसको खोला ढक्कन, तो आज काफ़ी ज़्यादा खिले खिले चावल मतलब लग रहे थे और देख के खुशी हुई। जब वो चीज़ हम बनाते हैं ना वैसे सेम चीज़ बनती है तो ज़्यादा खुशी होती है। और ये देखिए चावल एकदम खिले खिले हैं, एकदम अच्छा आज कलर भी आया है। मसाले भी मैंने थोड़ा सा चटक डाले थे ना, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट था। पद्देव जी तो ऐसे मसाले चीख चीख के डालते हैं आधी आधी चम्मच, लेकिन आज मैंने खूब सारे मसाले डाल के खिले खिले पुलाव बनाए थे, काफ़ी अच्छा था। चटनी होती ना थोड़ा सा तो और अच्छा लगता है, जैसे दही होता है ना, दही के साथ ये वाले पुलाव चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अचार घी के साथ, पापड़ के साथ भी अच्छे लगते हैं। जितना चीज़ आप ले लो ना सबके साथ अच्छे लगते हैं। बस जो भी आपके घर में अवेलेबल है, जो आप बना सकते हैं, जो आपको बनाने में अच्छा लगे उसी के साथ आप खा सकते हैं। ज़्यादा आलस लग रहा है तो आप कुछ ना लें, सिर्फ चावल लें और चावल ही खा लें, क्योंकि चावल भी इतना स्वादिष्ट बनाता है, इसके साथ कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, थोड़े से दही लिए हैं, सबने दही लिए, थोड़ा सा दही मैंने जोरन के लिए रख दिया था। मैंने सोचा चलो भाई दही लगा देते हैं वरना ये जोरन ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम अगली बार दही लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पे ठंड के मौसम में ना दूध को काफ़ी ज़्यादा गर्म होना किया जाता है, मतलब करना होता है। जैसे दूध थोड़ा कम गर्म रहेगा ना तो दही जमेगी नहीं। तो दूध अच्छे से खूब गर्म कर लिया है और इसको अच्छे से फेंट दिया है, दूध को खूब खौला लिया है, क्योंकि ये गाय का दूध है, अगर इसे खौलाओ ना तो ये पतला दही जमता है, पानी अलग हो जाता है, दही अलग हो जाता है। इसे खूब अच्छे से खौला के बस जोरन था मैंने इसके जोरन डाल दिया है और बस इसको ढक करके रख देना है। किसी गर्म स्थान पर रखें तो सुबह तक आपकी दही बन करके तैयार हो जाएगी। ढक देते हैं, ढक कर रख देते हैं। और ये आधा जीरा पानी मैंने पिया था, आधा जीरा पानी मेरा रह गया था। शाम के टाइम मैंने खाई थी एक रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और आजकल मैं बाजरे की रोटी खा रही हूँ, बाजरे की रोटी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, भूख को भी मतलब बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। एक बार खा लो बाजरे की रोटी ना काफ़ी ज़्यादा देर तक पेट भरा भरा रहता है। बथुआ आया था शाम को, अगले दिन मुझे बथुआ वाली दाल बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो भाई पानी जब तक हमारा गर्म होता है तब तक हम बथुआ तोड़ लेते हैं। घर का सारा काम हो चुका है, जैसे चौका, बर्तन, खाना पीना। शाम के टाइम मैंने कोई शूटिंग नहीं की, मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। ये सबने सब्जी रोटी खाई, क्योंकि सुबह चावल, दोपहर में चावल बना था, सुबह फरे खाए थे, तो बहुत ज़्यादा किसी का खाने का मन नहीं। देखो खाने का ज़्यादा मन हो या फिर कम मन हो, बनाना तो पड़ता ही है, चाहे एक एक रोटी ही सब खाएँ। और मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आलस की वजह से सबको भूखा रख दूँ, तो मुझे ऐसा लगता है चलो भाई बनाना है थोड़ा सा ही बना लेते हैं। तो बस बथुआ तोड़ के सारा रख देंगे। और इतने में हमारा जीरा पानी गर्म हो चुका था, ये रात के सोने का टाइम है, बहुत अच्छा फैट कटर ड्रिंक
है जीरा पानी, आप बहुत सारे मसाले डाल के जीरा सौंफ अजवाइन धनिया ये सारी चीज़ें डाल के आप एक फैट कटर पाउडर बना के इसे रख सकते हैं। आप इसे पानी में डाल के उबाल के टी की तरह ले, बहुत जल्दी आपका फैट कम होगा और ये पानी पियेंगे और सो जाएंगे। आज मैंने मतलब रोटी एक ही खाई थी, थोड़ी सी सब्जी खाई थी और अभी बथुआ तोड़ने का काम बचा है, लेकिन मैं पानी पहले पी लूँगी सिप सिप करके, उसके बाद बथुआ तोड़ूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।